हाय गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैप्सूल्स कैप्सूल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है सो so, कैप्सूल हम डिस्कस करते हैं कैप्सूल के डेफिनेशन हम देखते हैं कैप्सूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस आर इंक्लोज इन अ वाटर सोलूबल शेल और एंड एन मीन्स कैप्सूल सो अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल कैप्सूल आर एट्रेक्टिव इन एपियंस कैप्सूल कैप्सूल का नेचर मींस बाहर का जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए दे आर इजी टू कैरी एंड हैंडल कैप्सूल कैरी करने के लिए इजी और हैंडल है इस एडवांटेज है वो। दे आर इकोनॉमिकल कैप्सूल आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज कैप्सूल बहुत साइज के अवेलेबल होते हैं वेरियस साइज के शेप्स एंड साइज में कैप्सूल कैन बी इजीली सॉलो डू इट्स स्लिपरी सरफेस कैप्सूल जब हम लेते हैं तब वो इजीली सॉलो हो जाती है हमारी बॉडी में कैप्सूल प्रोटेक्ट द मेडिकामेंट फ्रॉम एटमोस्पेरिक इफेक्ट द ड्रग व्हिच हैव अनिजन ऑर्डर एंड टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेट बाय एनक्लोजिंग द ड्रग इन कैप्सूल शेल मीन्स जब कैप्सूल में जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसकी ओडर, टेस्ट कुछ अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते हैं वो कैप्सूल में फिल करते हैं। कैप्सूल में फिल करने की वजह से उसकी जो ऑर्डर और टेस्ट वो हमें नहीं लगती इसलिए हम वो कैप्सूल में फिल करते हैं। वो भी एक एडवांटेज है उसका सो so, अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल द एप द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी फील इन कैप्सूल बिकॉज द एप ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन दैप्सूल शेल एंड मेक्रिटलिटली ब्रेक्स इन टू पीसेस इसका मतलब क्या होता है हम जो कुछ ड्रग ऐसे होते है की वो वॉटर कुछ ऑयली ऑयली मीन वॉटर होते वो हम कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते फिल किया तो वो ऑयली ऑयली हो जाएगा फिर बाद में वो जो कैप्सूल हमने फिल की होती है वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते इसलिए हम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग फिल नहीं कर सकते कैप्सूल में द कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन विच नीड प्रीवियस डायलूशन आर अनसुटेबल फॉर कैप्सूल बिकॉज इट मे लीड टू इरिटेशन इन द स्टमक इन एडमिनिस्टर अब हम नेक्स्ट देखते क्लासिफिकेशन कैप्सूल आर क्लासिफाइड इन टू टू डिफरेंट टाइप्स दैट मीनस हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल सो हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल ऐसे होते हैं हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल आर ऑल्सो रेफर एज ड्राई फील्ड कैप्सूल दे कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन बॉडी एंड कैप और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल ऑल्सो कॉल्ड एज सोल इलेटिक और सॉफ्ट इलास्टिक सिंगल यूनिट ओनली मीन्स हार्ड कैप्जुलेटिंग कैप्सूल में वो कैप और बॉडी में टू सेक्शन होता है और सॉफ्ट सॉफ्टिलेटिंग कैप्सूल में एक ही सिंगल पीस होता है डिफरेंट <coughs> बिटवीन हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल सो so, हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल शेल कंसिस्ट इन टू पार्ट बॉडी एंड कैप और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल शेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट हार्ड जिलेटिंग शेप सिलेंड्रिकल इन शेप और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल राउंड ओवेल एंड लाइक शेप इस तरह के सॉफ्ट जिलेटिन में शेप होते हैं सो इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पाउडर एंड ग्रेनुल्स कैन भी फिल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम पाउडर ग्रेनुल कर सकते है और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सुल में पेस्ट ऑइनमेंट एंड क्रीम कैन भी फिल सॉफ्ट जुलेटिंग कैप्सुल में हम ऑयनमेंट क्रीम फिल कर सकते हैं नेक्स्ट, फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल कैन ऑकर इन डिफरेंट स्टेप्स जब हम हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल फिल करते हैं फिलिंग एंड सीलिंग हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल ऑकर इन डिफरेंट स्टेप डिफरेंट अलग अलग स्टेप होते हैं उसमें और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल में फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल आर डन इन वन सिंगल स्टेप इसमें एक ही सिंगल स्टेप होती है सो नेक्स्ट शेल इज कम्प्लीटली ड्राइड हार्ड जिलेटिंग की शेल कंप्लीटली ड्राइड होती है और सॉफ्ट uh, जिलेटिंग की शेल शेल इज नॉट परफेक्टली ड्राइड वो नहीं होती है सो एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज आर अवेलेबल इसके हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल में एट टाइप के साइज अवेलेबल होती है और सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल में नो स्पेसिफिक साइज अवेलेबल स्पेसिफिक साइज नहीं होती है उसके सो डिफरेंट टू सॉलो बिकॉज द शेल आर ड्राई एंड हार्ड और इजी टू सोलो सिंस द शेल आर सॉफ्ट जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है उसकी शेल ड्राई एंड हार्ड होती है सो so, उसको सोलो करने के लिए डिफिकल्टी है थोड़ी सी और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो ईजिली सोलो हो जाती है सो थैंक यू